हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यार, ये वीडियो जस्ट एक कैजुअल वीडियो बना रहा हूं मैं, जिसमें मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं। बहुत ही स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए, बिकॉज शतक लग रहा है। यस, शतक 100 सब्सक्राइबर। जब स्टार्ट किया था ना, तब बिल्कुल नहीं सोचा था कि दो चार लोग भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे। बट यार, मन में इच्छा थी और बहुत शुरू से इच्छा थी कि यार, जो पढ़ा है, जो समझा है, वो लोगों से शेयर करने। यार, ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है। तो यार, आज धीरे धीरे करके ये तीन तीन 3.5 महीनों में ये 100 लोग जुड़ गए हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी बाकी ये बहुत छोटा नंबर लग सकता है किसी को, बट यार, एक एक करके तिनका तिनका जुड़ता है तो यार बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक एक चीज मेहनत का, जो जब थोड़ा भी परिणाम मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो पता नहीं ये वीडियो में मैं और क्या बोलने वाला हूँ, बट बहुत बहुत थैंक यू। बहुत एक्साइटेड लग रहा है। और आप, जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं, जो भी आपके लाइक्स रहते हैं, उसे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। वही सब चीज़ें तो हैं जो मुझे आगे और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो यार, ऐसे ही मुझसे बातें करते रहो, कमेंट्स करते रहो, और मैं ट्राई करता हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो कमेंट्स हैं वो रिप्लाई करूँ। अभी तक शायद मैंने ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं। एक आध छूट गए होंगे तो उसके लिए सॉरी, बट मैं ट्राई करता हूँ जितने लोगों का हेल्प कर सकूँ, आपके छोटे छोटे जितने भी डाउट्स हैं वो मैं सॉल्व कर सकूँ। और एक चीज़ यार, ये जो चैनल का जो मोटो है, ये मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको, और आगे क्या क्या होने वाला है ये मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले, मोटो तो कुछ नहीं है ऐसा, बस यही है यार, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डाउनफॉल चल रहा है, एटलीस्ट कॉलेजेस लेवल में, इंडस्ट्रियल लेवल पे तो बिल्कुल नहीं चल रहा, बहुत फ्लरिश कर रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, और आगे और फ्लरिश करने ही वाला है, बिकॉज डिवाइसेस नए नए आने वाले हैं। बट यार, जो कॉलेज लेवल पे इतना लोगों में निगेटिविटी आ गई है ना इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, कि यार जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो थोड़ा दूर करना है, बस और कुछ नहीं है इसका। यार, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पॉजिटिविटी लानी है, इंजीनियर्स के लिए ऑल ओवर पॉजिटिविटी लानी है, बिकॉज कचरे जैसे कॉलेजेस खुले हुए हैं, तो वहां तक यार टीचर्स तो आपने लिए नहीं। तो यार, हम जैसे लोगों को कहीं ना कहीं तो थोड़ा तो हेल्प करने के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए आना पड़ेगा। तो प्लीज, आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो शेयर कीजिए मेरे वीडियोस, ताकि वो एकदम जो एकदम गांव, दूर सुदूर इलाकों में जो भी कॉलेजेस हैं, जहाँ पे क्लासरूम्स भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ प्रॉपर क्लासरूम्स नहीं, वहां तक ये लेक्चर्स जाएं, वहां तक मेरे वीडियोस जाएं। इस तरह से आप फैलाइए, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिले। हेल्प इन द सेंस, हेल्प तो यार बुक से ही मिलेंगी, बुक के अलावा कुछ नहीं है, बट थोड़ा मोटिवेशन मिले, थोड़ा थोड़ा ये लगे कि जो हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो सही जगह जा रहा है। ऐसा नहीं, ये फालतू चीज नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो यार अब तो यार जिंदगी खराब हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, बस आईटी की प्रिपरेशन चालू कर दो। यहाँ भी हैं जॉब्स, आपको बस थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ा फोकस रखना है, थोड़ा पाथ डिसाइड करना है और कंसल्ट करना है। मैं आया हूँ आपके आपके इन्हीं सब डाउट्स को दूर करने। मुझसे पूछिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मैंने पेज बनाया है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, ट्विटर पे डीएम कीजिए, यूट्यूब पे कमेंट कीजिए कीजिए, बस पढ़िए, आगे बढ़िए, मैं बस यही चाहता हूँ। और आगे अब कुछ नई नई चीज़ें मैं ट्राई करने वाला हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, जो एनालॉग डिज़ाइन के लेक्चर्स थे उसको बहुत सारे लोगों ने लाइक किया और बहुत सारे लोगों को पसंद आया वो। तो यार, देख के बहुत खुशी होती है यार, डिजिटल के ज़माने में भी एनालॉग के लिए लोगों को इतना प्रेम, दैट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग टू मी, बट सही है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और आगे डिजिटल के भी लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर करना है, डिजिटल डिज़ाइन में जाना है तो कैसे। तो मैं आरटीएल डिज़ाइन पे वीडियो पे काम कर रहा हूँ। एक्चुअली यार, ऑफिस का भी काम रहता है तो थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, वीक में एक दो ही वीडियो बना पा रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। बट अभी भी लेट ही होऊंगा मैं, टू बी फ्रैंक, ज़्यादा फास्ट नहीं बना पा रहा हूँ, बिकॉज पढ़ाई लिखाई के भी वीडियोस जो हैं, फिर ऑफिस का भी काम है, और फिर ये अलग से जो जॉब सीरीज जो चल रहा है। और अभी सेमीकंडक्टर फिजिक्स में डायोड ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चालू करूँ। आपको क्या लगता है? आई थिंक हमें एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी थोड़ा स्टार्ट करना चाहिए, गेट वगैरह से, और थोड़ा हिस्ट्री वगैरह भी जानेंगे तो मज़ा आएगा। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, मैं तो सोचा है कि अभी स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि ये सेमी कनेक्टर के साथ पैरेलल पैरेलल चलते जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल में थोड़े बहुत चीज़ें बची हुई हैं, वो मैं लेटर कभी कवर करूंगा। आपको अगर कुछ अर्जेंट है, कोई अर्जेंट टॉपिक चाहिए, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं
देखता हूँ अगर उसको प्रिपेयर कर पाऊँ तो, ठीक है। बाकी बहुत बहुत थैंक यू यार, ये 100 मुझे पता है बहुत लोगों के लिए बहुत छोटा नंबर है, बट मेरे लिए ये स्टार्ट है और मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है शतक यार, और बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत थैंक यू, ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक कीजिए और दूर सुदूर जहाँ गांव में भी है वहां पे लोगों को पहुंचाइए यार। मुझे तो साउथ इंडिया से भी इतने मैसेजेस आ रहे हैं, आई एम क्वाइट सरप्राइज, क्योंकि मेरा चैनल हिंदी में है एंड साउथ इंडियंस, आपको पता नहीं आपको समझ में आता होगा कि नहीं आता होगा, बट वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आप भी मेरे चैनल को देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम हैविंग सम लैंग्वेज बैरियर। तो मैंने तो सोचा था यार हिंदी में ही बना के एकदम ही बहुत ही गांव में, नॉर्थ के गांव में पहुंचाना है, क्योंकि वहां भी ऐसे इतने कॉलेजेस हैं कोई काम के नहीं है, वो कॉलेजेस कुछ नहीं कराते हैं वो, मैं तो डायरेक्टली बोलूंगा। तो यार बस यही मेरा मोटिव, बट थैंक यू, आपको अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो आई एम देयर टू हेल्प यू, तो प्लीज जुड़े रहिए मेरे साथ, ऐसे ही प्यार देते रहिए, भाई को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।